सीएम पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान नोडल अधिकारी ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में स्थानीय लोगों की आम समस्याओं को सुना। इस दौरान नोडल अधिकारी ने समस्याओं का त्वरित निवारण करने के लिए शिकायत से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से देवरी क्षेत्र के दरियानाथ मंदिर में सौंदर्यीकरण के लिए घोषणा की गई है। घोषणा के अनुरूप मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं चार दीवारी के लिए 84 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 50 लाख रुपए की धनराशि आ चुकी है। शीघ्र ही खटीमा क्षेत्र के कई सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। विधानसभा खटीमा के अंतर्गत पृथक पृथक विषयों से संबंधित कुछ एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। इन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई संभव है संभव रूप से उसकी कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में खटीमा विधानसभा के अंतर्गत एक तथ्य और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम देवरी में एक दरियानाथ मंदिर है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण और बैठक कक्ष तथा चार दीवारी के निर्माण के लिए एक घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसकी कुल लागत लगभग 84 लाख है। इसके संबंध में 50 लाख रुपये प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।